अभी तक तो द लाइन सिटी के चर्चे खत्म नहीं हुए थे कि सऊदी अरेबिया ने एक और हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर डाला। जी हाँ, इस बार ना ही कोई सबसे ऊंची और ना ही कोई सबसे लंबी बिल्डिंग या सिटी है, बल्कि एक जाइंट क्यूब बनाकर फिर से पूरी दुनिया को हैरान कर देना चाहता है सऊदी अरेबिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया में बनाए जाने वाले न्यू मुराबा सिटी की, जिसमें बना होगा ये बहुत बड़ा क्यूब जिसे अरेबिक में मुकाब कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मोहम्मद बिन सुलेमान ये बहुत बड़ा क्यूब बनाकर एक दूसरा काबा बनाना चाहता है। ये नई सिटी सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में बनाई जाएगी और मोहम्मद बिन सुलेमान के मुताबिक न्यू मुराबा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस शहर होगा, जहां आपको इस दुनिया की हर पॉसिबल फैसिलिटीज के साथ साथ वो सब भी देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा होगा। लेकिन न्यू मुराबा सिटी में सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी ये मुकाब। इसकी हाइट 400 मीटर होगी और एक ट्रू क्यूब होने की वजह से इसकी चौड़ाई और लंबाई भी 400 मीटर ही होगी। 400 मीटर हाइट के साथ मुकाब सऊदी अरेबिया की अभी तक तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। आप इस क्यूब में 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग रख सकते हो। विलियम के हिसाब से ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी, जो रिकॉर्ड अभी तक बोइंग एवरेट फैक्ट्री बिल्डिंग जो कि वाशिंगटन में है के पास है, बल्कि बोइंग फैक्ट्री से ये 5 गुना बड़ी होगी। लेकिन आखिर इतना बड़ा क्यूब बनाकर सऊदी अरेबिया क्या प्रूव करना चाहता है? लाइन सिटी की तरह न्यू मुराबा सिटी भी सऊदी अरेबिया के प्रोजेक्ट 2030 का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी की डायरेक्शन को कम्प्लीटली चेंज कर देना। जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑयल है, लेकिन क्योंकि अब पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है, इसलिए अब वो ऐसा कुछ करना चाहता है जो उन्हें ऑयल की डिमांड कम होने के बावजूद भी इनकम जेनरेट करके दे, और ये सब सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री कर सकती है। अब सऊदीया के पास पहाड़, दरिया या हरे भरे मैदान तो है नहीं जिन्हें वो लोगों को दिखा सके, बल्कि हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। तो अब रेगिस्तान को लोग देखने के लिए भला क्यों आएंगे? दुनिया भर से टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया आज इस तरह के अजीबोगरीब प्रोजेक्ट बना रहा है। इस क्यूब में इंटर होने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे, जहां आपको वर्चुअल रियलिटी की मदद से कुछ ऐसा फील करवाया जाएगा कि आप एक मिनट में ओशन की गहराई तक जा सकते हो और अगले एक मिनट में आप खुद को मार्स के सरफेस पे पाओगे। यानी ये सब कुछ ऐसा होगा जो ना ही आपने आज से पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी इमेजिन किया होगा। इस बड़े से क्यूब के अंदर बना होगा एक बड़ा सा डोम यानी गुंबद, जिसके सेंटर में एक स्पाइरल टावर बना होगा जो दिखने में टेल मशरूम का वुड एयर की तरह होगा। और ये अजीब और गरीब किस्म का टावर होगा मेन डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म, जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, थिएटर वगैरह सब कुछ पाया जाएगा। और इस क्यूब के चारों कोनों में भी होटल्स और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे और इसकी छत पे बनाई जाएगी एक बहुत बड़ी झील यानी लेक, जिसके साइड्स पे गार्डन और रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। लेकिन इस बिल्डिंग की शेप क्यूबिक ही क्यों रखी? इसको तो एक डोम की शेप भी दी जा सकती थी, क्योंकि इस क्यूब के अंदर आखिर है तो एक डोम ही। क्या इसको खाना काबा, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे सेक्रेट स्ट्रक्चर है, उसकी तरह बनाया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि इसकी शेप खाना काबा से मिलती है? देखो, इन सवालों का अभी तक तो कोई ऑफिशियल जवाब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स का मानना है कि इसको क्यूबिक शेप में बनाने की कुछ खास वजह है। नंबर 1, क्यूब एज ए सेकंड लेयर डोम को हर तरह के नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट करेगा। नंबर 2, क्यूब एज कम्पेयर टू डोम मोर आइकॉनिक और मोर विजिबल होता है। नंबर 3, क्यूब की साइड्स पे होटल और छत पे एक लेक बनाई जाएगी, जो कि डोम शेप में पॉसिबल नहीं थी। लेकिन इस सब के अलावा मुकाब रियाद सिटी का एक लैंडमार्क यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी बन जाएगा, जैसे एफिल टावर पेरिस का लैंडमार्क है या बुर्ज खलीफा दुबई का। आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में एक दूसरा काबा बनाया जा रहा है, और क्या ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी रीशेपिंग या रीस्केलिंग के 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।